बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साढ़े आज के मुख मेहमान सरदार भगवंत सिंह मान, मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब जी का। बहुत ही अदब नाल गुजारिश करती हाँ मुख्यमंत्री साहब नूं कि वह रस्मी तौर पर हरी झंडी दिखा के इन गड्डियां नूं रवाना करन। आप जी का स्वागत है जी आया अज नसीबत से अपने गुरु आ गया इम्तिहान नहीं कोई साड़ी खुशी होंगी अच हर एक दे चेहरे पे नूर आ गया हर एक दे चेहरे पे नूर आ गया। टीवी 9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं पंजाब के सीएम मान की तरफ से आज पंजाब पुलिस कमिटी पुलिस को हाईजैक करने के तहत आज 410 गाड़ियों को हरी झंडी देके रवाना किया जा रहा है। समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये फिलौर से तस्वीरें हैं जहां पे पंजाब सीएम की तरफ से आज हरी झंडी देके 410 वाहनों को यहां से रवाना किया जा रहा है। खासियत ये है कि फुली टेक्नोलॉजी से लेस है ये सारी वाहन, और दूसरा है कि इसमें खासियत ये है कि इन वाहनों में बहुत सारे जो है इलेक्ट्रिकल वाहनों को जो इम्पोर्टेंट दी गई है, यानी कि इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इसमें बहुत सारे एड ऑन किए गए हैं, और ये फीचर रखा गया है, यानी कि कहा गया है कि आने वाले समय में और भी इलेक्ट्रिक वाहन हैं जो जल्दी ही इसमें एड ऑन अगले साल तक कर दिए जाएंगे। तो आप तस्वीर के जरिए देख सकते हैं कि सीएम मान और पंजाब के डीजीपी और तमाम जो पुलिस अधिकारी है वो यहाँ मौजूद है, जिनकी तरफ से हरी झंडी दे के आज 410 वाहनों को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। टोटल खासियत इसमें ये है कि महिलाओं के लिए स्पेशल जो है इस बार 71 किया कैरेज वाहन रखे गए हैं, जो पहली बार पंजाब में ऐसा होने जा रहा है। तो आज पंजाब सीएम की तरफ से फिलौर में हरी झंडी दे 410 टाटा टियागो इलेक्ट्रिक गाड़ियां सिर्फ औरतों की सुरक्षा के लिए हाईजैक करना, और पंजाब के सीएम की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले समय में पंजाब में पुलिस को और भी हाईटेक किया जाएगा। अगर पुलिस हाईटेक होती है तभी जो है क्राइम पे एक रोकथाम की जा सकती है। उन्होंने ड्रग्स की बात की कि पंजाब को पूरी तरह से ड्रग्स फ्री बनाया जाएगा, इसलिए लगातार चला रहे हैं। तो आज हम फिलौर जहाँ पे सीएम मान की तरफ से 410 गाड़ियों को हरी झंडी देके रवाना किया गया है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ फिलौर से टीवी 9 की अमनप्रीत कौर।